क्या आप भी गूगल पे सर्च कर रहे हो हाई ग्राफिक्स गेम फॉर लो एंड पीसी लैपटॉप कर करके थक गए, फिर भी आपको कुछ अच्छे हाई ग्राफिक्स गेम मिल नहीं पा रहे? अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, आप 21 गेम्स देखने को मिलेंगे जिनका ग्राफिक्स काफी रियलिस्टिक है। बस आपको करना क्या, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। पसंद आया तो प्लीज अपने रसगुल्ले दोस्तों से जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल गाइस, जो हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मेटल गियर राइजिंग रेवेंजेंस। मेटल गियर राइजिंग रेवेंजेंस की बात करें तो भैया 2013 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। बेसिकली ये गेम दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है। वेल गाइस, गेम की बात करें तो गेम काफी ओपी है। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, स्टोरी यहाँ पर शुरू होता है अफ्रीका का एक अनजाना शहर पे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है राइडन, वो एक प्राइवेट मिलिट्री में एज अ सोल्जर का किरदार ले पाता है। एंड बेसिकली उसे टास्क, जब वो प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाते रहता है तो पर एक जो दूसरा संगठन रहता है प्राइवेट मिलिट्री का, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेता है। इनको अब सन डाउनर को खोज के प्राइम मिनिस्टर को बचाना रहता है। लीडर है सन राडो, उसे यहाँ पर रेडन को डिस्ट्रॉय करना रहता है, उसी बेस को पूरा खत्म करना रहता है। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा। गेम काफी ओपी है, जरूर से ट्राई करना अगर आप एक एक्शन से भरा और फाइटिंग से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं अपने 4GB रैम वाले पीसी लैपटॉप पे। वेल गाइस, इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 25GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर मन मान रहा है चलो यार एक बार खेल के देख लिया जाए, मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस गेम को वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। एंड दोस्तों, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की बात करें तो भैया एक 2014 का ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर फाइटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो स्पाइडरमैन 2 के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। स्पाइडरमैन 2 काफी ओपी गेम है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है पीटर पार्कर, वो बेसिकली अपने सिटी को एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस गेम को जब आप खेलोगे तो भैया पूरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होने वाला है। बेसिकली गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी, ग्राफिक्स के मामले में यहाँ पर कोई भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 3GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ट्रियो में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस खाली लगना अपने पीसी लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और चलो यार एक बार इंस्टॉल करके देख लिया जाए, ऐसा अगर आपका मन कह रहा है। देखो, मन को कभी निराश नहीं करना चाहिए, फिर बोल रहा हूँ नीचे लिंक है, जाके इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो मैं थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटलफील्ड 3। एंड बैटलफील्ड 3 की बात करें तो भैया 2011 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया डाइस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। अगर आप एक कैंपिंग गेम खेलना चाहते हैं और एक मिलिट्री टाइप का गेम खेलना चाहते हैं और सोल्जर बनना चाहते हैं और दुश्मनों को बेस को तबाह करना चाहते हैं, तो भैया बैटलफील्ड 3 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि एक रियल लाइफ में सोल्जर करता है। अभी आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि भैया जो इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो काफी अमेजिंग है। इस गेम में आप अलग अलग कंट्री के सिटीज पे ट्रैवल करते हो एंड काफी, यार सही बताऊं, काफी एक्शन से भरा हुआ ये गेम है। इस गेम की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो सिर्फ 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, डुअल कोर में गेम आराम से जाएगा। स्पेस की बात करें तो 20GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। मन कर रहा है तो यार मन को मारो नहीं, खुद फन के आप मेरी वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल करें। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Far Cry 3। एंड Far Cry 3 की बात करें तो भैया एक 2012 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आइलैंड में जहां जेसन अपने भाई राइली के पायलट लाइसेंस की खुशी में बैंकॉक थोड़ा एंजॉयमेंट करने जाता है, वो डिसलोकेट हो जाते हैं एंड एक ऐसे आइलैंड में जाके लैंड हो जाते हैं जहां वास नाम का एक
बहुत ही खतरनाक विलन का कैप्चर होता है। एंड वास क्या करता है, उनके सभी दोस्तों को किडनैप करके अब उनके पेरेंट्स से वसूली मांगता है। एंड यहाँ से जैसे तैसे जेसन और उसके भाई अपने आप को वास के चंगुल से छुड़ाते हैं। बट यहाँ पर जब स्केप होते टाइम जो जेसन का भाई रहता है उसे देख लेता है एंड उसे किल कर देता है। यहाँ पर अब वास के हर एक वो कैंप को डिस्ट्रॉय करता है एंड लास्ट में वास को किल कर देता है। तो बेसिकली यही स्टोरी है इस गेम का। एंड यार सच बताऊँ तो यार काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्टोरी लाइन दिखने वाला है। एंड सच बताऊँ गेम काफ़ी पुराना है, बट अभी भी अगर इसको खेलते हो तो भैया इसका एक रीमास्टर्ड वर्जन भी रिलीज हो चुका है। नहीं पता तो वेबसाइट पे उस पर आप उसके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट फायर क्राई 3 की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हाईली ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ओपी है। एंड यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। सम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई डिट नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और मन कर रहा है चलो यार इंस्टॉल कर लिया जाए, तो भाई मैं हर बार नहीं बोलूंगा, कूद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 5th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 5th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है हिटमैन एब्सोल्यूशन। हिटमैन एब्सोल्यूशन की बात करें तो भैया एक 2012 का स्टिल्ट वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया आईओ इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इसे किया गया था स्क्वायर एनिक्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया आप गेम में एक एजेंट का किरदार निभाते हो। स्टोरी की बात करें तो भैया गेम में आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो जिसे हम एजेंट 47 बोलते हैं। एंड एजेंट 47 को काफी सारे टास्क दिए जाते हैं। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों, यहां पर आप जो कंट्री के अलग अलग सिटी में ट्रैवल करोगे एंड पूरा रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा इसका स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलने वाला है। एंड गेम की बात करें गेम काफ़ी ओपी है, पूरा पैसा वसूल है गेम दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहते हो, तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो उस बेसिस पे आपको जाके अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको कंप्लीट करना रहता है, मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। बात करें तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो 12 कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है तो खुद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। एंड स्लीपिंग डॉग की बात करें तो भैया एक 2012 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया यूनाइटेड फॉर गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है स्क्वायर एनिक्स के द्वारा। सो ये है कि ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे सभी प्लेटफॉर्म में काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम बेसिकली माफिया एंड पुलिस के ऊपर बेस है, जो स्टार्ट होती है 2012 के टाइमलाइन में हांगकांग में। हांगकांग पुलिस क्या करती है कि वे शेंग जो कि एक अंडरकवर पुलिस कॉप रहता है उसे हायर करती है। बेसिकली होता क्या है कि वे रहता है वो US में काफी सारे यार ऐसे गैंग को क्लोज कर चुका रहता है कि गैंग में शामिल करने के लिए हांगकांग पुलिस एक फेक डील ऑर्गेनाइज करती है। ड्रग डील में सबको पकड़ लेती है इंक्लूडिंग वेव जो अंडरकवर कॉप रहता है। वो इसलिए पकड़ती है क्योंकि भाई अपने को पता तो चले कि भैया इसके पीछे कौन कौन है। तो बेसिकली गेम यहीं से स्टार्ट होता है एंड वेव जो रहता है अंडरकवर कॉप बन के पूरे गैंग को सफाया कर देता है। मिशन कंप्लीटिंग आपको पूरा हांगकांग सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम के करना चाहते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज, काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो या रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो कोर स्टूडियो में गेम आराम से जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन मान रहा है चलो यार एक बार चलो यार अंडरकवर गॉप बन लिया जाए, डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 7th गेम के। तो वेल गाइस जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटमैन आर्कम नाइट। एंड दोस्तों बैटमैन आर्कम नाइट की बात करें तो 2015 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है रॉकस्टी स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है वॉर्नर ब्रॉस के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, विलेन की बात करें तो यहाँ पर आप बैटमैन का किरदार निभाती हो जो कि अपने ऊपर आपको अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना रहता है आए दिन बदमाशों से। एंड यहाँ पर आपको स्पेशल क्रिएचर्स का भी सामना करना पड़ सकता है वाइल कंप्लीटिंग मिशन। एंड दोस्तों सच बताऊँ तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिलने वाला है। एंड मैप की बात करें
तो ओपन वर्ल्ड व्यू के यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। काफी ओपी गेम है। मिशंस की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग मिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्ड की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। तो प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 40GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है चलो यार एक बार बैटमैन बन के देख लिया जाए तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। हमारा जो 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डाइंग लाइट। डाइंग लाइट की बात करें तो भैया डाइंग लाइट 2015 का एक सर्वाइवर हॉरर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है टेक लैंडस्केप के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। अगर आप एक हॉरर ज़ॉम्बी गेम खेलना चाहते हैं तो भैया डाइंग लाइट से आप ही के लिए बना हुआ है। डाइंग लाइट गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, डाइंग लाइट की जो स्टोरी बेसिस तो एक सिटी पे बेस्ड है जिसका नाम हरान रहता है। हरान में पता नहीं कहीं से एक मिस्टीरियस वायरस आ जाता है। सिटी की जो आधी पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड होता है क्या है कि जब भी वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉन इन्फेक्ट पर्सन को काटते हैं तो भैया वो और इन्फेक्ट हो जाता है। एंड क्या हरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो हरान को पूरा क्वारंटाइन डिक्लेयर कर देते हैं, ना आना ना जाना। आरी यहाँ पर कुछ एयर ड्रॉप सप्लाई करती है, जैसे खाना हो गया, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर वो सप्लाई करती है। तो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पर एक और टेररिस्ट ग्रुप रहता है जिसका नाम सुलेमान रहता है। एंड बेसिकली वो क्या करता है कि हरान के जितने भी इंपॉर्टेंस डेटा रहते हैं वो उसे चोरी कर लेता है। एंड अब यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे ये टास्क दिया जाता है कि भैया आपने भी हमारे फाइल डेटा लीक हुए उसे आप वापस लेके आए एंड सुलेमान को यहाँ पर आप उसके कैंप को डिस्ट्रॉय करें। तो बेसिकली यहाँ पर यही दोस्तों ये स्टोरी लाइन है। एंड यहाँ पर जो ग्राफिक्स क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगे वो नेक्स्ट लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो दोस्तों 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 40GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने PCL लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार एक बार थोड़ा ज़ॉम्बी को मार लिया जाए तो भैया किस बात के लिए देरी हो, कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो मैं 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टॉम रेडर 2013। टॉम रेडर की बात करें तो 2013 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया क्रिस्टल डायनेमिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम की हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहती है लारा, लारा जो रहती है वो अपने जितने भी फ्रेंड्स जितने भी अपने टीममेट्स रहती है उनके साथ एक लॉस्ट किंगडम यामाटा को खोजने जाती है। बल्कि लारा बताती है यार जो हमारा जो लॉस्ट किंगडम यामाटा है एंगल के पार है बट हमें उसे क्रॉस करने के लिए काफी खतरनाक स्टॉर्म को झेलना पड़ेगा। तो वेल गाइस सब राजी हो जाते हैं एंड यहां पर जो लारा एंड उसकी जो टीम मेंबर्स रहते हैं वो सभी उस लॉस्ट किंगडम को खोजने के लिए चले जाते हैं। तो वेल गाइस होता है क्या है कि रास्ते में उनके शिप को एक काफी खतरनाक स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है एंड उस वजह से जो उनका शिप रहता है वो दो भाग मतलब पूरा टाइटैनिक के जैसा दो टुकड़ा हो जाता है एंड भाई सब इधर के उधर चले जाते हैं। लारा एक आइलैंड में पहुंचती है एंड अपने जितने भी जो टीम मेंबर्स है उन्हें सर्च करती है। तो यहाँ से जो मेन स्टोरी दोस्तों वो स्टार्ट होता है। प्लीट करोगे तो काफ़ी एडवेंचरस से भरा हुआ आपको यहाँ पर मिशन देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज फिक्स आपको देखने को मिल जाता है। गेम की मैप की बात करें तो भैया पूरा ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 18GB के आसपास गेम को इंस्टॉल करने के लिए। आप इसे 2GB रैम में भी खेल सकते हो बट यहाँ पर मैं जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ जिसमें कि आप गेम को लैग फेस ना करो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। बल्कि जो 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है माफिया 2। एंड माफिया 2 की बात करें तो भैया एक 2010 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम अभी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली माफिया के ऊपर बेस है। यहाँ पर आपको अपने अपोनेंट माफिया के जो बेस रहते हैं उसे आपको डील करके उसे डिस्ट्रॉय जो आपको स्टोरी लाइन है वो देखने को मिलने वाला है क्योंकि गेम टोटली माफिया के ऊपर बेस है। एंड गेम में आपको काफी इंटरेस्ट मिशन देखने को मिलने वाला है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन आप काफी अलग अलग सिटी में ट्रैवल करोगे एंड जो आपको व्यूइंग एंगल मिलेगा गेम का वो ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एंड इस गेम में आपको काफी
वर्ल्ड वॉर टू टाइप के पुराने कार देखने को मिलेंगे एंड सच बताऊं तो काफी यार मजा आने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी डेट नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो भैया 8 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है चलो यार एक बार माफिया बन के देख लिया जाए तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जी आगे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। जो हमारा 11th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैक्स पेन 3। एंड मैक्स पेन 3 की बात करें तो भैया एक एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था May 15, 2012 को। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर 9 साल के बाद एजेंट का काम छोड़ के वो इधर उधर भटक फिटक रहा है, मतलब बार उर में पी रहा है। बार में उसे राहुल पासोस नाम का एक आदमी मिलता है, मैक्स को बताता है कि भैया हम दोनों पुलिस एकेडमी में साथ काम करते थे। वो मैक्स को जॉब ऑफर करता है, ब्राजील के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, बोलता है कि भैया आप प्राइवेट बॉडीगार्ड उनका बन जाओ। मैक्स भैया को तो पीने से फुर्सत नहीं है, मैक्स भैया ये ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। कि जब मैक्स भैया अपने पीने में मगन रहते हैं तभी वहां का एक लोकल माफिया का बेटा आ जाता है एंथनी, एंड वो सडनली मैक्स के ऊपर गन ट्रिगर करके खड़ा हो जाता है कि उसकी और मैक्स की लड़ाई हो जाती है। तो अंत में क्या करता है मैक्स भैया एंथनी भैया को उड़ा देते हैं। यहाँ पर जो एंथनी डिमार्को रहता है जो उसके एक लौते बेटे के मरने पे वो क्या कहता है कि भैया मैं आपको करोड़ों रुपया दूंगा आप मैक्स को मार दो। तो जो भी मैक्स को मारने आता है भैया वो तो टपके ही जाता है क्योंकि मैक्स अपना जितना भी जो पुराना हिस्ट्री रहता है उसको क्लियर करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। राहुल रहता है उसका फ्रेंड, वो उसका ऑफर मान लेता है एंड जो ब्राजील में जो एक रिच फैमिली का जो ऑफर रहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इंटरेस्टिंग यार यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिलेंगे एंड जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो भैया 35 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। कोई मन कर रहा है चलो एक बार ट्राई करके देख लिया जाए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे 12th गेम। तो बल्कि जो मेरा 12th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ग्रीड 2। एंड ग्रीड 2 की बात करें तो ग्रीड 2 एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है कोड मास्टर के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इस गेम को रिलीज किया गया था 1 May 2013 को। गेम की मोड की बात करें तो गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। बात करें तो गेम में बेसिकली आपको यहाँ पर रेसिंग करना रहता है, वाइल्ड रेसिंग। यहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो ओपन वर्ल्ड का मिलेगा एंड आपको यहाँ पर काफी नए नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर आप अलग अलग कंट्री के सिटी में ट्रैवल करोगे। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कार्स की बात करें तो बहुत ही ह्यूज कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड बल्कि इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी नीड नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर टू ड्यू में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप में इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा रेसिंग वेसिंग कर लिया जाए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 13th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा 13th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है प्रोटोटाइप 2। एंड प्रोटोटाइप 2 की बात करें तो भैया एक 2012 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड सर्वाइवर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से एक सीक्वेंस गेम है 2009 के प्रोटोटाइप 1 का। अगर आपने प्रोटोटाइप 1 नहीं खेला है तो भैया जरूर से उस गेम को खेला। तो बेसिकली गेम में आप गेम की स्टोरी की बात करें तो भैया न्यूयॉर्क सिटी में पूरा ब्लैक लाइट वायरस का इन्फेक्शन फैल जाता है एंड बेसिकली जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है जी सभी लोग अलग अलग क्रिएचर्स में बदल जाते हैं एंड काफ़ी सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, क्रिएचर्स को मारना रहता है एंड जो वायरस रहता है उसको न्यूयॉर्क सिटी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है। तो बेसिकली वाइल्ड मिशन कंप्लीटिंग यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी डरावने मिशंस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जेम्स उसमें एक अलग अलग एबिलिटीज रहते हैं दोस्तों। तो गेम खेलने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। गेम की बात करें तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 GB डैन दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो भैया 10 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो एक बार इंस्टॉल करके देख लिया जाए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस बढ़ते हैं हमारे 14th गेम के ऊपर।
बल्कि जो हमारा 14th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्पेक ऑफ द लाइन। एंड स्पेक ऑफ द लाइन की बात करें तो भैया 2012 का थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, गेम स्टार्ट होता है रेतीले तूफान से, एंड ये रेतीला तूफान आता है दुबई में, एंड ऑलमोस्ट दुबई के पूरा कम्युनिकेशन टूट चुका है पूरे दुनिया से, एंड वहाँ के लोग जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। जो अमीर आदमी वो तो वहाँ से स्केप कर चुके हैं, बट जो मिडिल क्लास आदमी वो अभी भी वहाँ जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। होते यूएस के आर्मी कुछ मिशंस कंप्लीट करने के लिए आते हैं, उन्हें कुछ टास्क दिया जाता है, तो उन टास्क को वहीं डिनाई करके इन्हें वापस बुला लिया जाता है यूएसए। तो ये जैसे तैसे करके दुबई से स्केप करते हैं रेतीले तूफान में यार। तो यहाँ वो देखते हैं कि यार कुछ लोग यूएस आर्मी के लोगों को बेरहमी से मतलब मारे जा रहे हैं, तो अब इनका जो स्केप प्रोग्राम रहता है अब वो मतलब एक टास्क बन जाता है कि भैया अपने को इन सभी लोगों को यहाँ से बचा के सही सलामत यहाँ से निकालना है। तो भैया यहाँ पर आप फाइट करते हो कुछ अलग टेररिस्ट गैंग से, एंड जितने भी लोगों को स्केप करते हो निकली यही गेम में रहता है। एंड वाइल मिशन कम्प्लीटिंग देखने को मिलने वाले हैं। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, पूरा दुबई को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो और मज़ा ले सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 मिनी डैन 200 प्रोसेसर की बात करें, डुअल कोर भी गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मिनिमम 7GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीछे लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। मन कर रहा है तो क्यों रुके हुए, दुबई घूमना है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बोलिए बढ़ते हैं हमारे 15th गेम के ऊपर। एक तो वेल गेम जो हमारा 15th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टॉम क्लैंसी गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर। एंड दोस्तों टॉम क्लैंसी गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर की बात करें तो भैया ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। इस गेम को रिलीज किया गया 6 जून 2012 को। गेम काफी पुराना है बट अभी भी इस गेम में आपको काफ़ी अच्छे मिशंस एंड काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाती है। गेम में यहाँ पर आप एक सोल्जर के किरदार निभाते हो, एंड यहाँ पर आपको अपने एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है। वाइल मिशन कंप्लीटिंग यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड जो आपको यहाँ पर अलग अलग यार पावर मिलते हैं उसका क्या कहना, मतलब यहाँ आपको काफ़ी सारे गन्स के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आप ड्रोन उड़ा सकते हो, एयरप्लेन चला सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 25GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 16th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा 16th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर। कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर की बात करें तो भैया एक 2014 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो पब्लिश एंड डेवलप किया गया एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। भैया गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो जहां पर आप अलग अलग कंट्री की सिटी पर ट्रैवल करके एनिमी की बेस को तबाह करते हो। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन इस गेम में भी आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी हाईली ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम पूरा पैसा वसूल है। अगर आप एक अच्छा फाइटिंग एक्शन से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं जो कि कैंपिंग टाइप का हो तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें भैया 45GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है कि इस बात की कूद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 17th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा 17th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मेटल गियर सॉलिड 5। मेटल गियर सॉलिड 5 की बात करें तो भैया एक 2015 का एक्शन एडवेंचर स्टील्थ वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया कोजीमा प्रोडक्शंस के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध। इस गेम स्टार्ट होता 1984 को, एंड यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है बिग बॉस, डिप्रेस सिटी के हॉस्पिटल पे वहाँ से बाहर आता है। हाइपर असैसिन रहती है जो कि बिग बॉस को मारने का कोशिश करती है। बॉस को स्माइल सिचुएशन से बचा लेता है। दोस्तों बिग बॉस एंड स्माइल हॉस्पिटल से स्केप करते हैं। यहाँ पर साइपर के सोल्जर सुपर ह्यूमंस को अवॉइड करके, सुपर ह्यूमंस का नाम द थर्ड चाइल्ड एंड मैन ऑफ द फायर रहता है। स्केप करते वक्त इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बिग बॉस बेहोश हो जाता है। जब वो बिग बॉस जब होश में आता है तो वहाँ पर स्माइल उसे दिखता नहीं, पर बिग बॉस का फ्रेंड आता है एंड उसे स्केप करता है। एंड यहाँ से दोस्तों जो स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ पर बिग बॉस अब जो सुपर ह्यूमंस रहता है उनसे फाइट करता है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टोरी देखने को मिल जाएगा। मिशंस यहाँ पर काफी ओपी मिशंस आपको देखने को मिलेंगे। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आप अलग अलग कंट्री के सिटी पर ट्रैवल करोगे। काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को
मिलने वाला है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भी i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम आपके पीसी या लैपटॉप 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो एक बार इंस्टॉल करके देख लिया जाए तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेलकम गाइस, बढ़ते हैं हमारे 18th गेम के ऊपर। जो हमारा 18th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मिरर एज। एंड मिरर एज की बात करें तो भैया एक 2009 का एक्शन एडवेंचर फर्स्ट पर्सन वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डाइस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो पूरा ओपन वर्ल्ड बेस है। जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो भैया जो आपको एक्सपीरियंस होने वाला है वो पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। गेम की बात करें तो यार गेम का जो मिशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है अब तक आपने जितने भी गेम खेलोगे। जब आप इस गेम में मिशंस कंप्लीट करोगे तो भैया आप बिल्डिंग से कूद कूद के करोगे, दीवालों पर चढ़ चढ़ करोगे, तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर आपको जो मिशंस देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों उसका क्या कहना, काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। एंड गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 भी नीड है। 200 प्रोसेसर की बात करें कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 8GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका भी मन कर रहा है इस गेम को ट्राई करने का तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ट्राई कर सकते हैं। तो वेलकम गाइस, बढ़ते हैं हमारे 19th गेम के ऊपर। 19th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है ज़ॉम्बी आर्मी ट्रायलॉजी। एंड दोस्तों ज़ॉम्बी आर्मी ट्रायलॉजी की बात करें तो भैया एक 2015 का प्रैक्टिकल शूटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया रेबल डेवलपमेंट्स के द्वारा। एंड गाइस ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको गेम में आपको सिंपल ज़ॉम्बीज को मारना रहता है। मिशंस को कंप्लीट करोगे जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो काफी हॉरर देखने को मिलेगा एंड पूरा ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है। अगर आप एक हॉरर स्नाइपिंग गेम खेलना चाहते हैं तो भैया ज़ॉम्बी आर्मी ट्रायलॉजी सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। एंड इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम आपके पास 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर पे गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा ज़ॉम्बी उम्बी को मार लिया जाए तो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इंस्टॉल कर सकती हो। तो वेलकम गाइस, बढ़ते हैं हमारे 20th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेलकम, जो हमारा 20th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रोफोर। सैंथ्रोफोर की बात करें तो भैया एक 2013 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैल्यूएशन के द्वारा, इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। बेसिकली सीक्वेंस गेम है सैंथ्रो थर्ड का। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, एलियन की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको एलियन से वॉर करना पड़ता है। तो होता क्या है कि हमारे अर्थ को एलियन पूरा कैप्चर कर लेते हैं एंड एक सिमुलेशन एक वर्चुअल अर्थ बना लेते हैं जहां पर वो हर चीज कंट्रोल करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एलियन से वॉर करता है एंड सिमुलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर काफी यार भयंकर वॉर होता है यार, तो आपको काफी मजा आने वाला कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीछे लैपटॉप इस गेम को खेलने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो यार तो एलियन से थोड़ा फाइटा फाइटिंग कर लिया जाए तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे 21th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है डार्क साइडर्स 2। डार्क साइडर्स 2 की बात करें तो भैया एक 2012 का एक्शन एडवेंचर रोल प्ले वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया VGL गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड ये सीक्वेंस गेम है डार्क साइडर 1 का। तो बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो गेम अच्छाई और बुराई पे बेस्ड है। यहाँ पर अर्थ टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड यहाँ पर जो डीमंस और एंजल पे बीच में वॉर हो जाते हैं। बात करें तो गेम में जब वाइल्ड मिशन कंप्लीटिंग, यहाँ पर गेम में आपको काफ़ी अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी, गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलता है वो पूरा ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम
चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने का, अगर मन कर रहा है चलो इंस्टॉल करने का, एंड डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस यही कुछ 21 गेम्स थे आपके हाई ग्राफिक्स गेम थे आपके 4 GB रैम वाले पीसीएल लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों ये गेम सीरीज आपको पसंद आया, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना जिनके पास 4 GB रैम और 512 MB ग्राफिक कार्ड है। तो मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक ले जय हिंद जय भारत।